हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। दिस इज सरवन सर। आई होप यू ऑल आर फाइन। सो इन द कंटिन्यूएशन ऑफ चैप्टर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक पार्टोरिशन एंड लैक्टेशन। दिस इज द लास्ट टॉपिक फॉर चैप्टर 3, पार्टोरिशन एंड लैक्टेशन। सो जस्ट सी द डिफिनीशन ऑफ पार्टोरिशन एंड लैक्टेशन। सी, बर्थ ऑफ ए चाइल्ड इज कॉल्ड पार्टोरिशन। आफ्टर ए फ्यू मिनट्स ऑफ बेबी बर्थ, प्लेसेंटा डिटैच फ्रॉम द यूटेराइन वॉल एंड इज एक्सपेल्ड। मीन्स बर्थ ऑफ ए चाइल्ड इज कॉल्ड पार्टोरिशन। बेबी जो पैदा होता है, पैदा होने की प्रक्रिया को पार्टोरिशन कहते हैं, मदर से अलग होना। आफ्टर ए फ्यू मिनट ऑफ बेबी बर्थ, बेबी बर्थ के थोड़े समय के बाद ही जो प्लेसेंटा होती है वो डिटैच हो जाती है, अलग हो जाती है मदर के यूटेराइन वॉल से और बाहर निकल जाती है। इसमें एक शब्द आ रहा है जेस्टेशन पीरियड। सी, द फुल टर्म ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो इन द मदर्स यूटेरस इज कॉल्ड जेस्टेशन पीरियड। जेस्टेशन पीरियड का मतलब गर्भावस्था का समय होता है। वो पूरा समय, जितने समय तक मदर के यूटेरस में बेबी या एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, उस पूरे समय को जेस्टेशन पीरियड कहा जाता है। इन ह्यूमंस इट लास्ट फॉर अबाउट 280 डेज और 40 वीक्स और 9 मंथ। ह्यूमंस में ये 280 दिन होता है या 40 वीक्स होते हैं या 9 महीने का समय होता है। आफ्टर दिस पीरियड द फीटस इज रेडी फॉर बर्थ। और इस पीरियड के बाद, मीन्स 40 वीक्स या 280 डेज या 9 मंथ के पीरियड समय के बाद, फीटस इज रेडी फॉर बर्थ और डिलीवरी। इसके बाद देखिए लैक्टेशन। द प्रोडक्शन एंड सिक्रीशन ऑफ मिल्क बाय द मैमरी ग्लैंड इज कॉल्ड लैक्टेशन। लैक्टेशन का मतलब दूध निकलना या दूध का उत्पादन। द प्रोडक्शन एंड सिक्रीशन ऑफ मिल्क बाय द मैमरी ग्लैंड, मैमरी ग्लैंड से दूध का बनना और निकलना, इस प्रक्रिया को लैक्टेशन कहते हैं। मिल्क का सिक्रीशन बहुत ही ज़रूरी है बेबी को फीड कराने के लिए। पार्टोरिशन इंड्यूसेस बाई ए कॉम्प्लेक्स न्यूरो इंडोक्राइन मैकेनिज्म इन विच पार्टोरिशन सिग्नल्स originates from the fully developed fetus and the placenta, which induce mild uterine contraction called fetal ejection reflex. ध्यान से देखिए आप इस लाइन को। पार्टोरिशन सिग्नल्स originated from the fully developed fetus. फुल्ली डेवलप फीटस जो है सिग्नल देता है तो पार्टोरिशन प्रोसेस करने के लिए, जिसमें प्लेसेंटा विच इंड्यूस माइल्ड यूटराइन कॉन्ट्रैक्शन, प्लेसेंटा थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट होती है और इस कॉन्ट्रैक्शन को फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, मतलब फीटस को अब बाहर निकलना है, उसके लिए रिफ्लेक्सेस या कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट होता है, जिसमें जिसको ट्रिगर्स द रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन फ्रॉम द मैटरनल पिट्यूटरी। और मदर की बॉडी में जो पिट्यूटरी है वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन सीक्रेट करती है, रिलीज करती है, जो इस फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्सेस को रेगुलेट करता है। ऑक्सीटोसिन इंड्यूसेस स्ट्रॉन्गर यूटराइन मसल कॉन्ट्रैक्शन। और ऑक्सीटोसिन हार्मोन बहुत ही तेज यूटराइन मसल कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करता है, विच लीड टू एक्सपल्शन ऑफ द बेबी, जो बेबी को बाहर निकलने में मदद करता है, फ्रॉम द यूटरस थ्रू द बर्थ कैनाल। यूटरस से बर्थ कैनाल के थ्रू बेबी को बाहर निकलने में ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन में हेल्प करता है। इसी पूरे प्रक्रिया को फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्सेस कहा जाता है। आप देखिए, मैंने इसको यहाँ पे लिखा है कॉम्प्लेक्स न्यूरोइंडोक्राइन मैकेनिज्म, जिसमें पार्टोरिशन सिग्नल ओरिजिनेटेड फ्रॉम द फुली डेवलप्ड फीटस एंड द प्लेसेंटा विच इंड्यूस माइल्ड यूटराइन कॉन्ट्रैक्शन कॉल्ड फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। दिस रिलीजेज ऑक्सीटोसिन फ्रॉम द मैटरनल पिट्यूटरी। मदर की पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलता है, जो फीटस को बाहर निकलने में हेल्प करता है यूटराइन कॉन्ट्रैक्शन के द्वारा, जिसको फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्सेस कहा जाता है। Now see about lactation. Mammary gland of female undergo differentiation and start producing milk at the end of pregnancy. This is called lactation. Pregnancy के ख़त्म होने के बाद, after the gestation period, after delivery, production of milk and secretion start. This is called lactation. This help the mother in feeding the newborn. जो मदर को
ये हेल्प करती है कि वो अपने बच्चे को, न्यू बॉर्न बेबी को फीड करा सके. द मिल्क दैट कम्स आउट ऑफ द मेमरी ग्लैंड ड्यूरिंग इनिशियल डेज, वह मिल्क जो शुरू शुरू में मेमरी ग्लैंड से निकलता है ऑफ लैक्टेशन इज कॉल्ड कोलोस्ट्रम, और उस शुरू शुरू के निकलते हुए मिल्क को कोलोस्ट्रम कहा जाता है. इट कंटेन्स सेवरल एंटीबॉडीज, जिस मिल्क में बहुत सारे एंटीबॉडीज होते हैं जैसे IgA एंड न्यूट्रिएंट. न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं जैसे लाइक कैल्शियम, फैट्स, लैक्टोज एक्सेट्रा फॉर द बेबी. इट प्रोवाइड पैसिव इम्यूनिटी टू द बेबी, और यह इनिशियल मिल्क बेबी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, बहुत ही हेल्दी होता है. दस इसलिए ब्रेस्ट फीडिंग इज रिकमेंडेड बाय डॉक्टर्स फॉर ब्रिंगिंग अप ए हेल्दी बेबी, इसलिए ब्रेस्ट फीडिंग को डॉक्टर्स के द्वारा भी रिकमेंड किया जाता है, सुझाया जाता है कि ब्रेस्ट फीडिंग बेबी को कराना चाहिए. और इनिशियल जो समय में मिल्क का सिक्रीशन होता है जिसमें कोलेस्ट्रम पाया जाता है, कोलेस्ट्रम में एंटीबॉडीज और सेवरल न्यूट्रिएंट होते हैं, वो बेबी के हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होते हैं और इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं. तो इनिशियल सिक्रीशन और ब्रेस्ट फीडिंग बहुत ही ज़रूरी होता है. सी स्टूडेंट्स, ये फिगर, इस फिगर में ये जो पहला फिगर है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो विद इन द यूटेरस एट 12 वीक, ये 12 सप्ताह का एम्ब्रियो है, डेवलपिंग एम्ब्रियो 12 सप्ताह या 3 महीने का लगभग, जिसमें प्लेसेंटा है, अम्बिलिकल कॉर्ड है, फीटस है, एमनियन है और एमनियोटिक फ्लूइड है. ये डेवलप करके जेस्टेशन पीरियड में 9 महीने के आसपास में, उस समय में ये जस्ट बिफोर बर्थ, 9 महीने के बाद ये बर्थ के लिए रेडी है, जिसमें मस्कुलर वॉल ऑफ यूटेरस है, प्लेसेंटा है, अम्बिलिकल कॉर्ड है, एमनियोटिक फ्लूइड है, एमनियन है, सर्विक्स है. यहीं से ये बेबी यहाँ से बर्थ चला जाता है. इसी बर्थ होने के प्रोसेस को ही पार्ट्रिशन कहा जाता है, और पार्ट्रिशन में ये एम्बिलिकल कॉर्ड या प्लेसेंटा भी इसके साथ बाहर निकल जाता है. तो बच्चों, ये रहा हमारा आज का टॉपिक, पार्ट्रिशन एंड लैक्टेशन. इसमें हमने जेस्टेशन पीरियड के बारे में देखा, इसमें कॉम्प्लेक्स न्यूरोइंडोक्राइन मैकेनिज्म जिसमें फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्सेस के बारे में देखें, कोलेस्ट्रम के बारे में जानें, ये सब प्रोसेस है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं. आई होप कि आपको समझ में आया होगा. थैंक यू.